जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ रहा महानंदा नवमी के व्रत पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में। महानंदा नवमी का व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन महानंदा नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी जो कि सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। अगर जीवन में परेशानियां निरंतर बढ़ रही हो और सुख समृद्धि तथा धन की हानि हो रही हो तो ऐसे स्थितियों में व्यक्तियों को इस दिन व्रत करने से जीवन में सभी सुखों तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार महानंदा नवमी व्रत करने वाले को परिवार में सुख समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार नवमी के दिन कुमारी कन्या का पूजन करने से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना यह बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी को इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान से पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन के लिए जो भी जातक व्रत करते हो उन्हें चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपकी महानंदा नवमी का व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए और माता लक्ष्मी का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में किसी को भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर माता स्त्री लक्ष्मी नहीं रह पाती है, वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करते हुए दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन के लिए स्वच्छ सुथरे और सफेद वस्त्र धारण करके माता का पूजन करना चाहिए। पुरुष अगर कर रहे हो तो वह सफेद वस्त्र धारण कर ले और महिलाएं लाल वस्त्र धारण करके माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। माता लक्ष्मी को अक्षत, गुलाल, हल्दी, चंदन आदि उन्हें चढ़ाएं। माता को सिंदूर अर्पित करें। माता को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, श्रीफल आदि माता को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं और फिर महानंदा नवमी व्रत का कथा श्रवण करें। माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कि इन मंत्रों का अगर जप करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मंत्र: ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस मंत्र का जप करें तो लाभकारी होगा, नहीं तो और भी मंत्र है जैसे कि ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें, या ओम ऐं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ऐसे मंत्र का जप करें। अगर यह भी संभव ना हो तो श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें तो लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं महानंदा नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। महानंदा नवमी का व्रत इस बार 12 दिसंबर 2021 दिन रविवार को किया जा रहा है। तो महानंदा नवमी तिथि प्रारंभ समय 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार शाम 7:15 और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 12 दिसंबर 2021 दिन रविवार को रात्रि 8:04 पे नवमी तिथि की समाप्ति होगी। महानंदा नवमी के व्रत में दिन भर व्रत उपवास रहते हुए व्रत करना चाहिए। कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।